सारा पानी खुला हुआ तो पूरी गाड़ी पे, इस पे एक ब्लैक स्टिकर करके। अम्मा जी नहीं बता रही कहाँ जा रही है अभी भी। ये जो व्हाइट सॉलिड लाइन होती है ना, इसको नहीं क्रॉस करना होता। गाड़ी नहीं, मैं जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या है आपके, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो वो आपके भाई की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुदेम भाई की अभी तक जो है वो तबीयत ठीक नहीं हुई है और सुदेम भाई सो नहीं रहे, अंदर टैब यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला मेरी शक्ल मत दिखाना, तो हम उनकी शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो खैर दुआ करें सुदेम भाई की तबीयत ठीक हो जाए, अभी तो बेहतर है पहले से, वरना दो तीन दिन पहले तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो भाई हमारी गुड मॉर्निंग हो गई सुदेम भाई के बगैर, अब क्या सीन करते हैं, अब देखते हैं भाई। जी वैसे आपस की बात है, सुदेम भाई के बगैर मजा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी बैठ चुका हूँ मैं, रेडी क्या हूँ, टी शर्ट चेंज कर ली थी, थोड़ा सा मुंह हाथ धो के नाश्ता वाश्ता करके बैठ गया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अम्मा जी पता नहीं क्यों रेडी हो रही है, पता नहीं शायद पापा के साथ कहीं जा रही है, पूछते हैं अम्मा से। अम्मा जी अब कहाँ जा रही है तैयार होके, पापा भी नहीं है। कैसे जा रही है, किसके साथ जाऊंगी, तो भाई साथ जाऊंगी, इतने बड़े बड़े बच्चे दिए तो अकेली जाऊंगी। मेरे साथ आपने मुझे तो नहीं बताया, बताना जरूरी नहीं होता। दीदी वाह दीदी, यार अम्मा गाड़ी रेडी करो जल्दी से आ रही भैया इनकी चक्कर। यार अम्मा मुझे पता है आपने कहाँ जाना है, वॉलमार्ट जाना होगा या तो आपको कहीं मैसी जाना होगा, बस शॉप हुकुम चला रही है, हुकुम चला रही है। चलते हैं भाई, क्या करें भाई, करना पड़ेगा। और चलो देखो, अबे लॉक कर लिया, चोर आ रहे हैं घर में, लेट्स गो बॉयज। Oh my God, इस धूप का क्या किया जाए, यहाँ पर बादल है, यहाँ पे धूप है, भैया परेशान आ गया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम बख्श साहब, की हाल है तोड़ा, ठीक हो ना? माशाल्लाह तुम जो चमकते हो ना, जब जब तुम चमकते हो मेरा दिल चमक जाता है कसम से, खूबसूरत निजान। कल क्या हुआ भाई, एक जगह वो फायर का हाइड्रेंट टाइप लगा हुआ होता है ना, वो सारा पानी खुला हुआ तो पूरी गाड़ी पे, थोड़ी बहुत गंदी हो गई है बट इतना खास पता नहीं चल रहा। तो बख्श साहब को करते हैं हम गर्म थोड़ा सा, ताकि गरम शरम हो जाए, लेकिन हो जाएंगे गरम, धूप तो देखे। भाई चादरें बिछी हैं अंदर तुम्हारे लिए, अम्मा जी के लिए सीट वीट साफ कर दो। भाई मैडम आ रही है, मैडम का हुक्म देखा था आपने, गाड़ी स्टार्ट करो, इधर चलो उधर करो। भाई अम्मा जी तो अम्मा जी है ना भाई, सुननी पड़ती है अम्मा जी की। और बॉयज अब जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी के साइड स्कर्ट्स मंगा लूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया। अगली तो है ये पीछे वाली, मैं सोचता हूँ पहले मैं आपको बताता हूँ, एक लेफ्ट वाली और राइट वाली और बीच में एक ग्रिल आती है ना, वो मंगवा लूँ। और लेकिन ये वाले के लिए ना मैं एक काम सोच रहा हूँ कि इसमें मैं साइड स्कर्ट नहीं लगाऊँ, ये हिस्सा देख रहे हैं इस पर एक ब्लैक स्टिकर करके ये यहाँ तक लगा दूँ, ये स्कर्ट ही लगेगा क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है और थोड़ा सा कर्व टाइप है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। जी आ गई हैं, जी मैडम आपका ड्राइवर हाजिर है, लोकेशन बताएं भाई जान, लोकेशन क्या है, ये आपने घर पे क्या, ये आपने लिखी ऊपर वाली जी, कैसी है सेल्डन, अच्छा जी ये कौन सी नई जगह है, लगा नया कुछ स्टोर ढूंढ लिया आपने कोई। हम उसी से लाओ, एक घंटा घंटा ये ना, मा आर यू सीरियस, एक घंटा तीन मिनट, गाड़ी नहीं मैं जा रहा हूँ भाई, नहीं भाई हटे कटे भाई बॉयज, एक घंटा मैं क्या, यार कसम से पापा जी चले जाते हैं मेरे सर पे ये जिम्मेदारी छोड़ के चले जाते हैं, अब क्या करूं बॉयज यार, एक घंटा दूर जाऊं। ये वैसे है क्या, मैं नहीं उतरूंगी, ये है क्या, वहीं जाके बताऊंगी, मैं नहीं उतरूंगी, आना है तो बैठो वरना मैं खुद चला के ले जाऊंगी। ये अच्छा है वैसे, आप मम्मा खुद चली जाएं कसम से, अपनी गाड़ी अजीज है ये, मैं नहीं, आप अजीज है अम्मा, गाड़ी बाद में, अरे ऐसी बातें ना करें, ऐसी बात इमोशनल डैमेज नहीं करें, इमोशनल डैमेज यार भाई, यार अम्मा यार ऐसा नहीं किया करें यार। स्टार्ट कर, स्टार्ट है, बगा मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा क्या है, तुम तो एक घंटे का सफर आधे घंटे में तय कर लेते हो। हमें कराची नहीं है यार, टुल्ले ट्रूपर जो है ना वो एक घंटे का सफल बोल रहा हूँ, सफर जो है ना वो 24 दिनों का कर देंगे जेल में बंद करके। मेरी बात करा दी रस्ते में। ओ क्यों, आप इनकी डायरेक्टर है, तुझे पता
यार वो अब जाना पड़ेगा, अब नीचे उतर के ऊपर ही पूछ लेना चाहिए था मेरे से। ऊपर बताती ना तुम कभी ना। आपने मेरे मोबाइल में कब लोकेशन डाली सुदेम के साथ? तुम कभी ना नीचे आते ना कभी तुम गाड़ी में स्टार्ट करते ना खड़े होते, माँ हूँ तुम्हारी। चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं। चलो 15 मिनट तो तुमने यहीं जाया कर दी। अच्छा भाई चल रहे हैं यार, चल रहे हैं भाई। मेरा क्या फायदा वैसे इसमें, कोई मेरा फायदा बताए? अच्छी जगह शादी कराऊंगी जी। ये कौन सा फायदा, ये तो आप जहन्नुम में डालेंगी। ये कौन सा फायदा, कोई अच्छा फायदा बताए कि बोले मैं तुम्हें जो है BMW दिला दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मतलब दिला देंगे अम्मा जी। ठीक है समझ रहे हैं ना तुम? ठीक है जी, ठीक है भाई सुन लिया अम्मा जी की। चलो लेट्स गो। यस समझ गया मैं, समझ गया। यस भाई सब समझ गया मैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला साथ के रस्ते में अपनी लोकेशन पर पहुंचा दे, आमीन। यार बॉयज मेरा फोन चल नहीं रहा, मैंने अभी अम्मा का फोन इस पे लगाया, ये देखें आप इसके अंदर इस तरीके से एंड्रॉइड में अलग तरीके से गूगल। अरे ये कहां जा रहे हैं भाई, इतनी सॉरी साइकिल रख के हमें, ये किधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे होंगे। यस ये लोग वेदर अच्छा, अभी तो लॉन्ग वीकेंड भी तो आ गया है, लेबर डे है ना मंडे को। बॉयज यहाँ पर आ गया है मंडे को लेबर डे, तो अब सब निकल गए होंगे भाई बीचेस, कोई कहीं चला गया होगा तीन तीन दिन के स्टे पर, लेकिन हम देखी लोग काम काम और काम, सिर्फ काम करते हैं हम लोग भाई जान, हम नहीं घूमते। कायदे आजम नहीं है यहाँ? नहीं तो कायदे आजम का कॉल निभा रहे ना, काम काम, काम और काम, तो हम काम करते लेकिन ऐसा नहीं, हम भी एंजॉय करने निकल जाते, लेकिन गोरो की तो बात ही अलग है ना, उनके पास पता नहीं कहाँ से आता है। खैर अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर और पता नहीं रास्ते में भी क्या क्या देखने को मिलता है। तो मम्मा ये दिला देगा BMW कसम से, खुली छत में घूमूंगा आराम से मम्मा मैं। मम्मा दिलाती नहीं गाड़ी यार, जो मुझे पसंद है वो तो मुझे दिला दो। आपको कौन सी, आप अम्मा को बता कौन सी पसंद है? SUVs बड़ी बड़ी गाड़िया, हमें सेडान पसंद है। अब हमारी चॉइस डिफरेंट है ना अम्मा, क्या करें। आप ले लीजिएगा अभी जब आपको गाड़ी चलानी आ जाए, लेकिन गाड़ी भी तो चलानी नहीं आती आपको, मसले भी तो आपके साथ बहुत है वैसे। आती है चलाने, लेकिन लाइसेंस दिलवा दोगे ना तो मैं रोड पे चला चले, इनके लाइसेंस कुछ करना है। अम्मा मुझे एक बात बताएंगे, सुदेम को भी ले आती अगर इतनी दूर जाना ही था तो? सुदेम का देखते टेम्परेचर मैं कहती फिर वो थक जाता इसलिए। हाँ ये भी है, ये तो है, मैं गाड़ी में तो बैठा रहा था थोड़ा, इसलिए जा रही हूँ ना, ये 2 दिन है फ्रेश हो जाए स्कूल ओपन होने वाले। ओह यस 3rd September से सबके स्कूल। उसकी दाढ़ी को सी, माय गॉड अम्मा उसकी दाढ़ी, ये तो कैसे कैसे लोग दिखते रहते मुझे। खैर 3 सितंबर से सबके स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो सब शॉपिंगों में लगे हुए हैं, बच्चों की तबीयतें खराब है जाहिर है, इतनी लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते हैं। सुदेम भाई भी तबीयत खराब है, मम्मा सही किया आपने वैसे, आपस की बात है, मैं घर पे छोड़ के आ गई ताकि वो थोड़े सेट हो जाएंगे और रेस्ट कर लेंगे। तो अब चलते हैं अम्मा जी की। अम्मा जी नहीं बता रही कहाँ जा रही है अभी भी? अब फिर पूछ रहा हूँ, 3 दफा पूछूंगा, आप बता रही है, बता रही है, बता रही है, गुस्सा हो रहा है मुझे। पक्का करें काय कदम ना उतर जाऊंगा। कौन सी गाड़ी? टेस्ला। फिर मैं कहती उतर रहा, देख रही है इंसान की बच्चे की कोई कदर नहीं है, टेस्ला की कदर है। वाह अम्मा जी बच्चा भी तो देखो ना, क्या देखो? टॉर्चर कर रहा है, क्या टॉर्चर कर रहा है, आपने हमारे साथ गेम जाना है क्या? अम्मा गेम हमारे साथ कर रही है आप, और हमें बोलनी कि बच्चे ने ये सही है, माओ का भाई खुद करती है और हमें बच्चों पे ठहरा देती है, बच्चों ने ये दिया बच्चों ने वो दिया। जाना है बस, ये इधर ही है भाई, 1 घंटा रह गया, ये इधर ही तो पीछे गली में, अभी निकलेंगे राइट पे पहुंच जाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। अम्मा जी आगे गाड़ी है, इसका नाम बताएं क्या है, जल्दी से सिग्नल खुल गया। पलंगी मलंगी, पलंगी मलंगी नहीं है अम्मा, इसमें लिखा हुआ है प्लग इट अप। ओह माय गॉड, इसका मकसद होता है कि ये गाड़ी जो है वो चार्ज वाली है ना, तो उसने नंबर प्लेट ही वैसी बनवा ली, उसने लिख दिया भाई प्लग इट अप, इसको जब तक चार्ज नहीं करोगे तब तक नहीं चलने वाली। मैं समझी किसी मलंगी है। और आपकी फेवरेट ही है टेस्ला? ये इलेक्ट्रिक गाड़ी अम्मा। चल रहा हूँ अभी भी, 28 मिनट रहते हैं सिर्फ। क्या हो गया, आधा घंटा हुआ है, तो मैं इतनी बोर हूँ यार। मम्मा आप गाड़ी नहीं चला रही ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें अज़ियत पता है। अबे तुम्हारी गाड़ी तो इतनी अच्छी है और फिर भी तुम ऐसे, वो तो मुझे पता है मम्मा, मेरी गाड़ी अच्छी है, ये तो मुझे पता है, इजी वे में घूम रही है बस। मम्मा ये ट्रैफिक मार देता है, अब देखे ना, यहाँ तो ट्रैफिक नहीं, तुम तो पाकिस्तान का ट्रैफिक झेल के आए हो राफी। मैं झेल के आया हूँ जी, अब यहाँ अब यहाँ की आदत पड़ गई है ना, मसला ये है भाईजान। कैसे जाओगे पाकिस्तान? पाकिस्तान तो अपना मुल्क है भाईजान, मुल्क में जाएंगे हम अपने, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अम्मा जी प्लीज यार आप गाड़ी चलाना सीख लें, अब
मेरी बस हो रही है कादों में, इतनी जगहों से बैठी रहती हूँ। ऑनेस्टली अभी रस्ते में बॉयज मम्मा को जो है ये बता रहा था कि जो व्हाइट सॉलिड लाइन होती है ना, इसको नहीं क्रॉस करना होता। अब जैसे ये लाइन है ये सॉलिड नहीं है ना, व्हाइट वाली, आप इसको ओवरटेक कर सकते हो, बट ये सॉलिड लाइन को जो है आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अम्मा को समझाते हुए जा ही रहा हूँ मैं, क्या करूँ भाई, ऐसे ही सीखेंगे, पता चलेगा। यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है, लॉ दिमाग में रखना मुश्किल है, यहाँ के लॉ बहुत मुश्किल मुश्किल है अम्मा। अब स्पीड लिमिट है, आपको उसी स्पीड लिमिट से चलना है, ठीक है। अगर आप राइट से आ रही हैं किसी एग्जिट से, तो आपको रुकना है, उनको जाने देना है, और कहीं कहीं आपको स्पीड अप करना है, ये आपको नहीं पता। और मुझे भी नहीं पता था बॉयज, लेकिन मैंने चलाई, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहा। तो हमारे साथ भी ऐसी है, वो चलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, पता चल जाएगा। ये बात भी सही है, लेकिन वुमन इज ऑलवेज बी अ वुमन भाई, जब कहीं ना कहीं ठोक फीक देंगी गाड़ी, इसलिए अम्मा जी आपको मैं नहीं दूंगा अपनी गाड़ी, आपको अपनी अपनी गाड़ी दिला दूंगा। हाँ, तो अपनी साथ ही आप फिर एंजॉय करती रहेगा, ठोकिएगा मारिएगा। और आपको एक बात बताऊंगा, कोई ठोक देना तो उसके गले पड़ जाएगा कसम से, पैसे निकलवा लिएगा। और लेडीज पावर तो यहाँ पे इतनी है, ओह माय गॉड, मम्मा वुमेन पावर बहुत है, सच बता रहा हूँ। ऐसा करा आप मेरी गाड़ी ले जाए कर, मार के आए, ठीक है, दो पैसे लेके आए, मम्मा यही कर ले आप, क्या करें यार, टोक टीक क्या दे, क्या हो गया, बनवा लेंगे गाड़ी, इंश्योर्ड है भाई, इंश्योरेंस बना देगी गाड़ी, पैसे तो आ जाएंगे। खैर मजाक कर रहा हूँ अम्मा जी, अब मेरी बस हो रही है, अब झटपट पहुँचवा दो, बंद करो, मैजिक कर दूंगे इन लोगों को, क्या कहते हैं भाई। ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं और मैजिक ना करूं, क्योंकि अभी बड़ा लंबा सफर रहेगा ना, आपको रोड क्या दिखाऊं। खैर रोड बॉयज आपको पता है यहाँ के तो एज यूजुअल अम्मा कितने मजे के होते हैं, सुकून मिलता है इस रोडों पे गाड़ी चलाने में। तो बस आपको एक मैजिक करके दिखाता हूँ, 1 2 3। ओ भाई जान, पहुंच चुके हैं अम्मा जी अपनी लोकेशन पर, 1 घंटा 3 मिनट बाद। तो अब प्लीज बता दें, यहाँ तो मुझे कुछ आपके काम की चीज भी नहीं लग रही, सलोन भी, ब्यूटी सलून तो नहीं है आप कहीं? लेकिन ब्यूटी सलून आती तो आप इलाके में भी जा सकती थी। एनिमल एमरजेंसी हॉस्पिटल, मम्मा बेइज्जती कर रही है आप। तुम्हें दिखाने लाई हूँ, मैंने कहा मुझे दिखाने लाई है एनिमल एमरजेंसी हॉस्पिटल में भाई। अच्छा, अब बता दें आप कहाँ आप बता रही है, ये अभी भी नहीं दिखाएंगी मुझे, भी अभी शो नहीं हो रहा, तो रुक जाओ। मतलब आपको शो नहीं हो रहा है, खुआरी करवा रही है क्या? अबे यार मैं किसी से मिलने आई हूँ, तो एड्रेस मुझे यही था, लोकेशन यही है, लेकिन मे भी कौन सा उनका वो है, तो मैं वो देख रही हूँ, जरा कॉल करूंगी। तो फिर अम्मा जी की अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई, अम्मा जी कॉल करें, देखते हैं भाई। बॉयज गाड़ी चला चला के हो जाती है हालत बुरी, लेकिन बॉयज एरिया बड़ा अच्छा है। पता है आपको यहाँ पर रोड की स्पीड लिमिट कितनी थी? 55। मुझे लगा मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, लेकिन आगे देखा सिग्नल आया, मैंने उस्ताद यहाँ इतनी लिमिट स्पीड कैसे? लेकिन भैया जी, स्पीड लिमिट का तो मसला हमारे सिर्फ एरिया में, और जो जगहें ये बड़ी बड़ी जगहें होती है ना, यहाँ पर नहीं होता। अभी देखें यहाँ पे सारे जर्सी मिल्क फूड पे फुट पा, यार जाके स्पा थोड़ा सा कमर वमर दबा लेंगे, लेकिन ये फुट वाला है नहीं, यहाँ नहीं जाने का। अरे बक्सा तुम बड़े घूम रहे हो बक्सा, तुम्हारा हिसाब किताब करना पड़ेगा क्लियर। तो अभी देखते हैं अम्मा जी कहाँ ही है भाई। तो वॉइस अम्मा भी उतर गई है, क्योंकि वो जो एड्रेस था ना उसके ऊपर लिखा हुआ था 280D, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 280G, 280H, 280I और 280E, और एक नजर आ रहा है 280D, लेकिन उस पर बार्बर शॉप बनी हुई। अम्मा जी आप बाल कटवाने आई हैं क्या? ये अम्मा का सिस्टम समझ नहीं आ रहा भाई। ये देखिए, ये है 280E और ये है 280D। यही ये है कौन सा? अम्मा जी ये बार्बर शॉप के अंदर आया हूँ, ये क्या सीन है? ये है देसी स्टोर निकाला मैंने, कोई मेरी फ्रेंड का है। हाँ तो मुझे आना था यहाँ भाई। देखें सिस्टम चेक कराता हूँ आपका, ये देखें भाई फुल देसी कपड़े, मतलब फुल साड़ी वाड़ी है वो। वाह भाई वाह, मतलब बार्बर शॉप के अंदर अलग से इन्होंने स्टोर बनाया हुआ, सिस्टम किया हुआ है। अम्मा जी आप सिर्फ एक कपड़ों के लिए मुझे 1.5 घंटा कपड़ों की नहीं, मुझे मिलने आई हूँ मैं किसी से, क्या हो गया? चलें यार क्या करें, अम्मा जी का मिलवा देते हैं भाई। अम्मा जी अब मिलते रहे, हम क्या करें, हम तो ख्वार हो गए ना भाई। अब जब आए गए हैं बॉयज, अब एक सीन करते हैं। अम्मा जी अब आपको एक सीन कराना पड़ेगा, मुझे खत बनवाना है। बनवा लेना अपना ही बंदा है। ओए ओए भाई सिस्टम चला रही है, तो आपको भाई सोच रहा है अभी खत बनवा ले या नहीं, अभी देखें क्या बनता है। लेकिन अब बार्बर शॉप आए तो आपको भाई का दिल मलचा रहा है, मलचा रहा है ना, ललचा रहा है वही। तो अभी देखते हैं खत बनवाते नहीं बनवाते। तो वॉइस अभी जो मेरा सीन बना है ना, मेरा दिमाग चला, शीला का जो दिमाग चला है, तो मैं अभी खत नहीं बनवा रहा, क्योंकि अगले हफ्ते एक इवेंट आ रहा है, और मेरी खत जो है वो इतनी जल्दी बढ़ती है ना, मुझे अगली दफा फिर से पैसे देने पड़ेंगे और फिर बार बार के जाना पड़ेगा। तो अभी जाने दो, अभी कोई इवेंट शिवेंट है नहीं, नेक्स्ट वीक इवेंट है, तो उसमें बाल शाल खत वत बनवा लेंगे। अम्मा जी आपका नुकसान से बचा लिया मैंने,
ये आप आई है ना जो अपने सिस्टम के अंदर ये कपड़े शपड़े, मुझे लगा था मेरा भी आपको ना कोई फायदा ढूंढेंगे, लेकिन इसमें तो मेरा है ही नहीं है। साड़ी पहन के घूमूंगा क्या? साड़ी पहन के घूमू? अम्मा जी भैया चली गई, खत्म हो गया दिमाग इनका। खैर बॉयज, अम्मा जी जो है अपने मिल रही हैं, मिलना मिलाना लग गया उनका, तो अंदर कपड़े लेडीज के, तो मैंने सोचा बाहर आके आपको यहाँ का माहौल दिखा दूँ और रोड दिखाता हूँ कि कितने चौड़े चौड़े रोड हैं और कितने खूबसूरत हैं। ओए बोए बोए, वाह भाई वाह, बॉयज आई लव दिस टाइप ऑफ रोड, के इस तरीके से जा रहे हों। और ये देखें, ये इस तरीके से ये रोड जा रहा है और सब अपनी मस्ती में मगन है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, सबके हर गाड़ी में अपने अपने मसले होंगे भाई, कोई भी खुश नहीं होगा, सबके अपने मसले चल रहे होंगे। तो खैर भाई, यहाँ जो है ना इस तरीके के रोड बने हुए हैं क्योंकि ये जो है ना पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। ये सेल्डन का एरिया है जो कि न्यूयॉर्क का सबसे, यहाँ से मैनहट्टन जो है वो कम से कम मैं आपको बताऊँ 2 घंटे तो होंगे यहाँ से मैनहट्टन। हमारे घर से तो 30 मिनट में पहुँच जाते हैं मैनहट्टन, लेकिन यहाँ से 2 घंटे होंगे। और जितनी आगे जाते जाओ, खूबसूरत है अमेरिका, आपको पता है अमेरिका की लाइफ और अमेरिका की जगहें कितनी खूबसूरत है। असल में यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी की वजह से अब सब खूबसूरत है। देखें, अब आपको कहीं भी कचरा नज़र आ रहा है? ये पत्ते गिरे हुए हैं और ये चेक करें कितना ये पेड़ है। अब बस पेड़ के सीज़न ख़त्म होने वाला है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अब ये पेड़ खाली होने वाले हैं, ब्राउन हो जाएंगे, टहनियाँ बचेंगी सिर्फ भाईजान। ये चेक करें बॉयस, पेड़ है हालांकि कितना खूबसूरत तरीके से, 1 2 3 ये 3 पेड़ बने हुए हैं। और ये देखें बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप इस पे जा नहीं सकते, ये लॉ के खिलाफ है, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी तो हम जाएंगे भाई हर जगह। हमारे लिए कोई लॉ शो नहीं है क्योंकि हम कराची से, भाई आपको पता है ऐसे जो साहब हमारे चाचा जी हैं, DSP साहब हमारे ताया हैं और कर्नल तो हमारे घर आते जाते रहते हैं, तो टेंशन ही नहीं है कोई। भाई जान यहाँ चाचा वाचा नहीं चलेंगे, नीचे उतर जाओ। इससे पहले कॉप्स आए और बोले बेटे की कर रहे थे, आ जाओ नीचे जल्दी से, तो उतरना पड़ जाएगा भाई। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आपका भाई जो है वो सूट बेचने वाला बन गया है, तो आपको कोई सूट चाहिए तो मुझसे रब्ता करें। आपके भाई के पास बहुत बड़ी कलेक्शन है, फुल रिंग लाइट के सामने ये चेक करें, रिंग लाइट लगाई हुई है भाईजान, क्योंकि इनका जो है वो ऑनलाइन काम भी है, तो ये लाइव वाइव आके सूट बेचते हैं भाईजान, ये तो बड़ा बेस्ट सीन है। मजी अब दिमाग घूम रहा है, मजी अब दिमाग घूम रहा है, 1 घंटा हो गया पूरा। भाई इस औरत ने आज धोखे से जो लाई है ना मुझे यहाँ पे, ये कसम से अगर मुझे पहले पता होता मैं नहीं आता यहाँ पर, लेकिन पहले कौन बताता, यही बात है यार। मम्मा बस कर दें प्लीज यार, मुझे नींद भी आ रही है इन कपड़ों में, और बाहर जो है वो कटिंग पुटिंग चल रही है, थोड़ी देर में लेटता हूँ सो जाऊँ। हाय अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा जी आ गई हैं। अम्मा जी आप मेरे ग्लासेस पे बैठ गई आते ही, पता है आपको मेरा ग्लासेस वहीं रखा हुआ था, आते ही अम्मा ने नुकसान करा मेरा, अम्मा देख लें, थक गया अम्मा कसम से यार, आपने तो हद कर दी यार, आइंदा के बाद तुम अपना काम कर रहे थे, थके नहीं, आइंदा के बाद मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। वो तो मैं हूँ, अब नहीं आ रहा। सो बॉयज अभी जो रोड पे निकला हूँ, लेकिन रोड पर आप देख सकते हैं धूप भाई जान इतने कोई खतरनाक आए हैं, और गाड़ी बिल्कुल बारिश बताई थी, अब देख लें आप, मुझे घर से निकल के बोल रहे थे कि बारिश होनी है, और यहाँ पर सूरज में दिखाऊं मैं आपको, इतने खतरनाक है कि गाड़ियां स्लो चला रहे हैं लोग क्योंकि नजर नहीं आता आगे का, बिल्कुल आंखों में पड़ लेते, तो आपका भाई बड़ा स्लो 60 की स्पीड, अम्मा जी मैं बोल रहा हूँ स्लो, लेकिन आपका भाई तो मास्टर है ना भाई जान गाड़ी चलाने में, तो धूप मियां को बोलते हैं अल्लाह हाफिज क्योंकि अब हमारा आने वाला है एग्जिट, तो अब घर की तरफ चलते हैं, और सुदेम भाई भी इंतजार कर रहे हैं और भूख भी लग रही है। अम्मा आपने इतनी दूर लाए कुछ खिला ही जाए, तो रोज का है यार, कुछ खिलाना तो जरूरी है ना अम्मा। हाँ। क्या खिलाएंगी? सब्वे हमारा रह जाता है, यही रह जाता सब्वे, तो खैर भाई चलते हैं सब्वे लेते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा वाला लेंगे, खैर वही वेजी पैटी लेंगे तो जाकर लेते हैं। अल्लाह जी बॉयज मैं तो गाड़ी चला चला के थक गया, पहुंच गए अपने एरिया के अंदर और मैं रुका हूँ सब्वे में, तो अब कुछ खाने के लिए लेते हैं, सुदेम भाई को भी भूख लग रही थी, अब यहाँ तो बचता है वेजी पैटी क्योंकि वही हलाल है, तो अब वो लेते हैं। मेरी कमर फारिग हो जाती है कसम से, इतनी दूर ड्राइव करके आया ना बंदा, पाकिस्तान वाले हिसाब है, पाकिस्तान में जैसे कराची से हैदराबाद है ना वैसी ही यहाँ पे जगहें होती हैं, ऐसे ही जाना पड़ता है 2-2 घंटे 1.5-2 घंटे। खैर चलते हैं बगैर लेते हैं, अब भूख की तपेश ज़्यादा बढ़ ली और थकन भी अब ज़्यादा हो चुकी है। अल्लाह जी बॉयज मैंने वेजी पैटी ले ली है, लेकिन अब जो है मेरी तबीयत थोड़ी ऑफ हो रही है, अच्छा मेरी तबीयत जो है वो सुबह से ऑफ हो रही है,
लेकिन मैं थोड़ा एक्टिव होना चाह रहा था, मैं चाह नहीं रहा था कि मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो, क्योंकि आज था सैटरडे, सैटरडे वाले दिन तबीयत नहीं खराब नहीं चाहिए भाई जान, एक दिन ही मिलता घूमने फिरने का। खैर अब ऑफ हो रही है तो ऊपर जाता हूँ, वेजी पैटी खाता हूँ ठीक है, और उसके बाद दवाई शवाई खा के लेटता हूँ, एक दो घंटे आराम करूंगा भाई जान, हम रुकने वाला काम नहीं है। तो बस आज सोचा मैंने अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आज पूरा दिन मम्मा के साथ गुजार दिया हमने, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, डू सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।